भाजपा मंडल मंडी द्वारा प्रीति गृह मंडी में एक आपात बैठक मंडलाध्यक्ष मनीष कपूर की अध्यक्षता में की, जिसमें पूर्व विदेश मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेत्री सुषमा स्वराज को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा मंडल मंडी द्वारा परिधि गृह मंडी में एक आपात बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडलाध्यक्ष मनीष कुमार ने की, जिसमें पूर्व विदेश मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेत्री सुषमा स्वराज को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा मंडल महामंत्री पुष्पराज कात्यायन ने सुषमा स्वराज के जीवन पर प्रकाश डाला तथा उनके दमदार नेतृत्व, शालीन व्यक्तित्व की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। भाजपा नेताओं ने कहा कि सुषमा स्वराज के निधन से देश ने एक ओजस्वी, शालीन पर प्रभावी नेता खो दिया है तथा उनकी पूर्ति असंभव है। सुषमा स्वराज को पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई, उसमें उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। विदेश मंत्री के रूप में तो उनका कार्य बहुत ही बेजोड़ शानदार रहा है। वे काफी कुशल राजनीतिज्ञ, वो प्रशासक ही नहीं बल्कि एक अति मिलनसार महिला थी। उन्होंने एक प्रखर वक्ता, एक आदर्श कार्यकर्ता, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि व एक कर्मठ मंत्री जैसे विभिन्न रूपों में भारतीय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। समस्त भाजपा मंडल मंडी ने सुषमा स्वराज की आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट किया। बैठक में भाजपा मंडल मंडी के अध्यक्ष मनीष कपूर, मंडल महामंत्री एवं पार्षद पुष्पराज कात्यायन, पूर्व विधायक कन्हैयालाल ठाकुर, भाजपा जिला प्रेस सचिव अजीत कपूर, हिमांशु शर्मा, पार्षद जितेंद्र शर्मा, बंसीलाल, निर्मला शर्मा, हेमलता शर्मा, पार्षद सरदार अभिनंदर सिंह, सरिता हांडा, अंजना कृष्णा ठाकुर, कमल राणा तथा बालक राम उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती सुषमा स्वराज का अचानक निधन हो गया। इसके कारण सारे हिंदुस्तान के अंदर एक शोक की लहर फैल गई है और एक कार्यकर्ता स्तब्ध हो गया है कि ये क्या हो गया। सुषमा जी पहली विदेश मंत्री रही महिला के नाते, और 1977 में पहली बार वो अम्बाला से चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, और हरियाणा के अंदर सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर रही है हरियाणा की। वो उसके बाद दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री वो बनी। उन्होंने 1990 के अंदर राज्यसभा की सदस्य बनी, उसके बाद लोकसभा की सदस्य बनी, विदिशा से भी चुनाव लड़ा, दिल्ली से भी कैंडिडेट रही। इतनी बोल्ड थी कि ये बात जो भी पार्टी आदेश देती थी उसको बिल्कुल उस कार्य करने के लिए परमिट थी, कार्य करती थी। आज भाजपा को उनकी कमी काफ़ी महसूस हो रही है और उनका जो स्थान कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, ये स्थान रिक्त ही रहेगा।